दोस्तों कुछ जगह ऐसी होती है ना जो बिल्कुल ऑथेंटिक और एक लेगेसी होती है जो काफ़ी साल से चलती हुई आ रही है ना, उसको सर्व करते हैं। तो आज ऐसी ही जगह पे हम आए दोस्तों, हम आए हैं अंबाला कैंट और यहाँ पे पहुँचे हैं दोस्तों यहाँ की सबसे फेमस और सबसे पुरानी दुकान जो कि है पूरन सिंह जी की। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ, असली पूरन सिंह का ढाबा। अच्छा, वो ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ना यहाँ पे आप आएंगे ना, जैसे आप अंबाला कैंट पहुँचते हैं तो यहाँ पे ना लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ढाबे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है कि असली पूरन सिंह का ढाबा। मगर दोस्तों आपको मैं प्रॉपर एड्रेस दूंगा, यहाँ पे आप आते हैं तो आपको जो असली दुकान है वो मिलेगी। और इनकी जो खुशबू है ना दोस्तों, मीट की, चिकन की, वो मेरे को दूर से ही आ रही है। अभी मैं खड़ा हूँ ना तो मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला कि यार खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। तो आइए अंदर चलते हैं, ओनर से बात करते हैं और टेस्ट करके देखें किस तरीके का है स्वाद। आओ। तो ले दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं विशाल अत्री जी जो कि यहाँ के ओनर है और इस पूरे ढाबे को आप चलाकर रन करते हैं। यस सर जी। तो सर एक बात बताइए, कितने साल पुरानी है ये? सर 1949 में खुली थी सर जी। 49 में, मतलब 60-65 साल की। हाँ जी सर, हाँ जी सर। क्या बात है। और क्या क्या यहाँ पे खाने के लिए, क्या क्या? मटन है, चिकन है, कीमा है, छोले हैं, दाल है, चावल है, रोटी है, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों आइटम मिलती है। ये हमारे शादी में आते हैं सर जी ये। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो लोग पसंद करते हैं? मटन करते हैं। मटन करते हैं। यस सर। तो सुबह 8 से 5 का टाइम मेरा, सुबह 8 से शाम को 5 तक। अच्छा, 8 बजे खुल जाता है? हाँ। अच्छा, पहले में जो टाइमिंग थी 12 बजे की कुछ? नहीं नहीं नहीं, मेरा सुबह से टाइमिंग लिखा हुआ है 8 से 5, शाम को 5 बजे बंद होता है ये। अच्छा। यस सर। शाम को 5 बजे। दोस्तों एक बार पहले भी हम आए थे, 5 बजे के बाद आए तो हमें खाने को नहीं मिला, मगर आज खा के देखते हैं क्या क्या चीजें। और दोस्तों आपको चीजें दिखाता हूँ, ये मटन करी। यस सर। क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। ओहो हो, ग्रेवी, ये क्या बात है, ये देखिए दोस्तों, चिकन भी है। चिकन भी है, क्या बात है। और दोस्तों चिकन देखते हैं, ये देखो, आ जाओ, ये है दोस्तों चिकन करी। वाह जी वाह। ये सर एक प्लेट में एक पीस होता है 170 का। अच्छा, ये मतलब जो लेग और लेग जो टेस्ट होता है, ये थाई आगे सीना हो गया लेग। अच्छा, मतलब एक पीस होता है पूरा का पूरा 170 रुपए का। ये देखिए दोस्तों, अरे वो क्या बात है। और जो रोगन आ रखा है ऊपर, बड़ा जबरदस्त जो तेल है। वाह। ये कीमा भी है। कीमा भी रखा हुआ है। ये देखो, एक कीमा है। कीमा ले जी। ये मटन का? यस सर, मटन का सर। मटन का कीमा के ले जी, क्या बात है। और बिल्कुल थिक वाली जो होती है ना वो है दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसका क्या प्राइस है? आप 200 फुल 400 200 का फाव मीट का। इसका कीमत सेम टू सेम वो है, रेट है, रेट है। हाँ, चिकन छोड़ के। ओके, और मीट का क्या, मटन का कैसे? आप 200 फुल 400 अच्छा वही है। हाँ, क्या बात है। तो मटन के कितने पीसेस आते हैं? हमें 2 पीस फुल में, 4 पीस। 2 पीस और ये चावल है। क्या बात है, जीरा राइस। जीरा राइस, वाह। ये देखिए दोस्तों, जीरा राइस सर्व किया जा रहा है साथ में। और ये दाल है। ये दाल जो दोस्त है हमारे, उनके लिए दाल। छोले भी है। हाँ हाँ, तो ये माघी दाल है? ये माघी मिक्स दाल है। मिक्स दाल है, राजमा और वो मिक्स। ये छोले वाइट छोले हैं। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। छोलों की रंगत भी दोस्तों बहुत लाजवाब है। और जो यहाँ पे खुशबू आ रही है ना मटन बनने की, तो मटन हमारा तैयार है कि भी टाइम लगना है? तैयार है। क्या बात है दोस्तों, ये देख सकते हो। ओहो, क्या बात है, पीसेस बहुत ज़बरदस्त है। और जो ऊपर रोगन है ना, वो बड़ा लाजवाब आ रखा है। ये देखो, ये माय फादर। अच्छा, मदर। तो इन्होंने ही शुरुआत करी थी? शुरुआत नहीं की, आए पाकिस्तान से आए थे ये। अच्छा, और ये यंग फोटो जब सारे यंग थे, जवान थे, ये फोटो उस टाइम की है। अरे वाह, पूरे मूछे मूछे ताव। हाँ, उस टाइम जवान थे, यंग थे। फिर एज होने के बाद यहाँ भी ऐसे आए थे। तो लो दोस्तों, अब लगने लगा हमारा प्लेट। ये हम मटन के पीसेस लेते हैं 2। ये देखो, क्या बात है, ये आ गया दोस्तों हमारा चिकन का पीस। और ये ना लेग प्लस थाई, मतलब दोनों जुड़े होते हैं पीस, और एक ही पीस देते हैं 70 रुपये का, 170 रुपये का है ना। क्या बात है, आपका है। हाँ, लो जी दोस्तों, ये लगवा लिया हमने प्लेट। जैसे मैंने आपको दिखाया, गर्मा गर्म हमारी जो प्लेट है ना वो लग चुकी है। एक लिया हमने चिकन का पीस जिसमें कि लेग प्लस थाई दोनों जुड़े होते हैं, और आप साइज़ चेक कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है, डिसेंट सा साइज़ है। और दूसरा हमारे पास है मटन करी, जो कि यहाँ की ना सबसे ज़्यादा फेमस है दोस्तों। आप पूरे अंबाला में पता करेंगे ना अगर मटन करी कहाँ की फेमस है, तो सभी लोग आपको बोलेंगे पूरन सिंह की खाइए जाके। क्या बात है, और बहुत बढ़िया खुशबू जो है ना इसमें से वो आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले ना ये चेक करो ज़रा लेग पीस। अरे वाह, ओहो, अरे वाह, अरे भाई साहब, जो चिकन है हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से पका हुआ है दोस्तों। देखो मैंने उठाया ना, जैसे उसी तरीके से टूट गया, मतलब जो चिकन है हमारा बहुत ही टेंडर है, सॉफ्ट है, अच्छे से कुक हो रखा है। एक बार ग्रेवी चेक करते हैं। मसालेदार है, चटपटी है और स्पाइसी है, हल्का सा मिठास है, ज़्यादा मिठास नहीं है। यानी कि जो प्याज है ना बिल्कुल बैलेंस तरीके से डाला हुआ है। मज़ेदार ग्रेवी है। एक बार ना इसको
तंदूरी रोटी के साथ खाते हैं तब मज़ा आएगा, स्वाद जो है ना असली तब आएगा। तो ये मैंने ओहो तंदूरी रोटी ले ली, ग्रेवी लगाई और अब क्या करते हैं। तंदूरी रोटी के साथ स्वाद है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और ये देखो चिकन कितना सॉफ्टली कुक है, ये इस बात से देखो देख रहे हो कितनी आसानी से उठ रहा है, देखो कितना सॉफ्ट है। और जो इसकी ग्रेवी है ना दोस्तों बहुत ही मज़े की है, बहुत लाजवाब है, हल्की सी मतलब चटपटी भी है, स्पाइसी भी है और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है मतलब ये ग्रेवी खाने में। क्या बात है। जैसे हम ट्राई करते हैं मटन, जिसके लिए ये ढाबा जाना जाता है ना मटन करी के लिए। ये देखो ग्रेवी चेक करो, ग्रेवी दोनों की ना देखने में ऑलमोस्ट सेम लग रही है, मगर ये वाली ना हल्की सी डार्क है, इसका जो रोगन है ना जो लाल कलर है वो बढ़िया आ रखा है। मगर ग्रेवी ना ऑलमोस्ट मुझे देखने में सेम लग रही है, टेस्ट करके देखते हैं कि फ्लेवर कैसा है, क्योंकि दोनों अलग तरीके से बनाई हुई है। ये मटन की ग्रेवी अलग बनी हुई है और चिकन की अलग बनी हुई थी, एक बार इसकी ग्रेवी चेक करते हैं। मटन का जो फ्लेवर होता है ना फैटी जो फ्लेवर होता है वो इसके अंदर प्रॉपर आ रहा है दोस्तों। चिकन का जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था और ये वाला जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो एक खुशबू होती है जो मटन की वो पूरी प्रॉपर है, और मटन के पीसेस आप चेक कर सकते हो। वाह ये देखो कितने आसानी से ये टूटेगा, वाह अरे वाह देख रहे हो। और इसमें जो जूसेस है ना अंदर तक गए हुए हैं, देख रहे हो आप बहुत बढ़िया। एक बार मटन का पीस चेक करते हैं, मसालेदार है, अच्छे से गला हुआ है और जो पीस है ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बिल्कुल टेंडर है, बहुत बढ़िया। ये देख रहे हो कितनी आसानी से टूट गया ये। तो भाई साहब इस पर लगाते हैं हम करी। ओहो आई एम श्योर दोस्तों आपके मुंह में भाई पानी आ रहा होगा देख देख के, है ना, मेरे तो आ ही रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर ना टाइमिंग जो है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक है, और 5 बजे तक इनका सारा जो माल है ना वो ख़त्म हो जाता है और ढाबा ये क्लोज कर देते हैं। और इसी बीच में इतनी भीड़ होती है ना यहाँ पर, अभी लंच टाइम शुरू होने वाला है, अभी धीरे धीरे यहाँ पर जो रश है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हम थोड़ा पहले आ गए ताकि आपके लिए अच्छे से वीडियो शूट कर सकें, और बहुत मज़ा आया दोस्तों यहाँ पर खा के ना। तभी लोग बोलते हैं कि जो अंबाला का जो पुरंदर का ढाबा है ना बहुत मज़े की जो चीज़ें हैं वो सर कर वाह। तो ले दोस्तों ये चिकन और ये मटन ना दोनों मिलके फिनिश करते हैं मैं और प्रशांत, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छी रेसिपी है दोस्तों, आप भी अंबाला आते हैं तो ये चीज़ें दोनों ट्राई करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतने दोस्तों, ये फिनिश करता हूँ, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जा दीजिएगा, बाय बाय।